A Very warm welcome to all of you this morning. आप स्वागत है इस You know, beginning of the year, I guess we're all excited uh, how the year will turn out, and we're all expectant. Uh, and, uh, and uh, what better way to start the year uh, than in the presence of God in a place like this to set aside three days just to seek Him. ये कितना सुंदर है कि हम साल की शुरुआत ऐसे करते हैं प्रभु को इस एक स्थान पे इकट्ठे हो के उनको खोजते हैं सो व्हाई डोंट यू टेक सम टाइम टू जस्ट प्रे एंड आस्क द लॉर्ड टू स्पीक टू अस इन दीस 3 डेज क्यों क्यों नहीं हम कुछ समझ लेते हैं प्रभु को बोलते हैं कि आप इन तीन दिनों में हमारे साथ बातचीत करें यू प्रे इन योर ओन लैंग्वेज इन योर ओन टंग यू प्रे टू द लॉर्ड आप अपने भाषा में प्रभु से बातचीत करें प्रार्थना करें

you know the topic for this conference is intimacy pursuing the heart of god jaise pastor paul ne kaha ki is conference ka vishay suchi hai ghanishthata parmeshwar ke karna and uh, you know it's it's an interesting topic but sometimes we wonder you know uh, what's so great about intimacy kabhi kabhi i am sochta hu ki you know god loves us we love him

इस घनिष्ठता जो है यह आसान नहीं है यू नो समर मीटिंग इच आदर आफ्टर मेनी इस

लेकिन कभी कभी जिन लोगों के साथ हम हर रोज मिलते हैं एक अलग विचित्र तरह का अनुभव होता है हमने जानते क्या बोलना है जानते हमें क्या बोलना है एंड इज विंग यू नो वेन कैन आई गो फ्रॉम और हम सोचते हैं कब यहाँ से चले जाएं और ये 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 ऐसा होता है। है। घनिष्ठता के 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 साथ 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 एक समस्या मनुष्य हो हो। या परमेश्वर के साथ हो। so deeper, इन तीन दिनों में इस विषय में हम गहराई में खोज करेंगे And, uh, very, very sure और ऐसे ये कुछ चीज बहुत प्रैक्टिकली हमारे हृदय को आशीष करेगा सो व्हाट इज इंटीमेसी घनिष्ठता क्या है You know, it is a state of having a close and personal relationship with someone. Okay, two words that you can notice: it's close and it's personal. So it's the opposite of aloof or distant, and it's the opposite of being impersonal. Opposite of being uh, opposite of being personal is impersonal, sorry. Or Joe Ghani uh Joe uh egg du secusa hai is ka opposite hai. I'll just keep it here. Okay. So it means being close enough to be able to share your thoughts. sakte being close enough and comfortable enough to share your feelings. Uh, इतना घनिष्ठ होना कि हम एक दूसरे के अनुभव को भी बांट सकते हैं, emotions, हमारे आबे को भी सकते हैं। जो इच्छा है वो सारी चीजों को हम बांट सकते हैं प्रैक्टिकल आउटवर्किंग ऑफ इंटीमेसी ये घनिष्ठता का एक बाहरी चिन्ह है कार्य है एंड जनरली मेन ग्रेट वेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन हम जो मनुष्य है हम बहुत uh, अच्छी तरह से तत्व को बांटते हैं दूसरे के साथ। हम सारा दिन क्रिकेट फुटबॉल uh, इसके बारे में उसके बारे में बात कर सकते हैं But when it comes to sharing our feelings, लेकिन जब हमारे अनुभव को बांटने की बात आती है maybe we are scared, maybe we are afraid, maybe we are sad. ते हैं और हम डर जाते हैं सच है ये बोलना बहुत आसान है कि मैं उस जगह पे गया था मैं छुट्टियों में यहाँ घूमने गया था ये देखा बट इट इज़ डिफिकल्ट टू शेयर एंड फीलिंग्स। हमारे हमारे आवेग को, अनुभव को हमारे अनुभव को, uh, को बांटना ये कठिन होता है। एक डर काम करता है

जो घनिष्ठता है ये कठिन है क्योंकि हम टूटे हुए लोग हैं। you know, हमें छुटकारा दिया है लेके गया है बट इन दैट प्रोसेस ऑफ वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस वर्क्स इन प्रोग्रेस तो जो हम सिद्धता की और बढ़ रहे हैं इसके बीच में भी हम हमारे अंदर कार्य हो रहा है

ताकि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं फॉर फ्रेंडशिप दोस्ती रखे फॉर फेलोशिप सौभागिता रखे एंड फॉर इंटीमेसी और घनिष्ठता बनाए नो दैट्स इज डिजायर ये परमेश्वर की इच्छा है यू नो इफ वी गॉड गॉड You know, uh, how did you create me and what did you create me for? You know, he he would say, This is this is what I created you for. You know, this is how I wired you, designed you. So that you can have companionship. Oh, yes, you are hurting and you want to be alone and isolated. And you don't want to be, you know, we don't want to be in the midst of people. But this is how I created you. This is my original dream and desire for you. So let's look into the Word of God. You know, we look at Genesis chapter 2 and verse 18. उत्पत्ति दो अध्याय और अठारह आयत को देखेंगे एंड द लॉर्ड सेज एंड द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन आई विल मेक हिम अ हेल्पर कंपेरेबल टू हिम फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल मेल खाए एंड टॉक्स अबाउट कंपैनियनशिप और uh, स, सहायक के बारे में बात करता है इफ वी गो टू 1 कोरिंथियंस 12 अगर हम पहला कुरिंथियों की पुस्तक

25 to 27. Okay. Um, let me read in English and then uh, uh, brother will read in Hindi. Um, it says that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Now you are. are the body of Christ and members individually. ताकि दे में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो So we see that all of us individually as believers we are members of the same body the spiritual body of Christ. तो हम देखते हैं हम सब

आइए कुछ और लेते हैं uh, and, uh, और आपका सबसे अच्छा खाना क्या लगता है आपको जो हम करते रहते हैं, the, हम एक के साथ उठाते हैं। हम, uh, बहुत हल्के तरीके से रहते हैं और स्वाधीन रहते हैं

psalm thirty two verse eight this is what it says. it says, "I will instruct you and teach you in the way you should go, I will guide you with my eye you know this is a great picture of fellowship and intimacy and closeness yeah, he's saying i will

You know, in youth camps, we have that formula, you know, God, who's that person for me? Today, if that person wears red, <laughs> then I know it's settled, matters <laughs> settled. But the Lord is saying, you know, enough of all that. I will instruct you and I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा एंड आई विल गाइड यू विद माय आईज मैं अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारी अगुवाई करूंगा ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फेलोशिप ये सौभाग्यता का एक सुंदर छवि है एंड यू नो इन आइजाया चैप्टर 49 एंड वर्स 15 यशाया उसका 49 और 15 आयत को देखेंगे वी सी अनदर फैसेट ऑफ द द कंपैशन एंड द टेंडरनेस

नहीं भूल सकता and Many times we cry out and say, "God, are you there?" कभी कभी हम रोते हैं कहते प्रभु क्या आप यहाँ है Have you have you seen my condition? क्या आपने देखा I believe the Lord wants to tell us today. प्रभु आज आपको ये बताना चाहता है you know, I will not forget you. मैं तुम्हें नहीं भूल सकता Yet I will not forget you. परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता And like this, we have different pictures

In, in, in my perspective, how can I be a bride? Okay. I just want to uh, you know, share something that uh, Mike Bickle writes, and I think it's helpful for us. Um, yeah, I'll just read this out. Yeah. Uh, being the bride of Christ transcends gender, men are the bride of Christ. Um, you want me to take it one more?

Uh, परमेश्वर के हृदय के करीब और एक विशेष स्थान होता है इट्स एन इन्विटेशन टू एक्सपीरियंस डीप इंटीमेसी विद गॉड यह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता uh, का एक आमंत्रण है सो मेनी मैन ऑफ गॉड इन द बाइबल वॉकड इन दिस एग्जॉल ऑफ इंटीमेसी विद गॉड परमेश्वर के बहुत लोग हैं जो बाइबल में हम देखते हैं जो जो प्रभु के इस घनिष्ठता के स्थान पे उन्होंने समय को बिताए हैं सो माइक बिकल मेंशंस दिस इन इन वन ऑफ हिज बुक्स माइक बिकल जो है उन्होंने अपने एक एक किताब में इस बातों को कहा है सो वी कैन सेफली एम्ब्रेस दिस ट्रुथ हम इस सत्य को ग्रहण कर सकते हैं राइट एज मेन मन लड़की होने के वजह से एंड वुमेन आर नॉट टू इंटरप्रेट दिस

जब तक हम इस बात को समझते हैं you know, हम आगे जा सकते हैं और सत्य को ग्रहण कर सकते and हैं the, people, और प्रभु के बहुत सारे साधुगण थे जो इस सत्य में चले हैं। we, we David, the हम, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जो थे, परमेश्वर के हृदय के निकट थे and, uh, और योद्धा आराधनाकारी थे वो द ब्राइड Of God. Um, so let's look at a few verses. We're going to look at um, Jeremiah chapter 2 and verse 2. Okay. So this is what God says Go and cry in the hearing of Jerusalem, saying, Thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, when you went after me in the wilderness, in a land not sown. जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे यहोवा ये कहती है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी सो इट टॉक्स अबाउट ऑफ इसल

He says, Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you. I will take you one from a city and two from a family and bring you to Zion. He said, Lord, because I am a Swami, and I am a Swami. 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 I am a I yeah, so he's, he's, he's talking about his covenant relationship. He's saying, I'm married to you. Uh, we see the same thing in, in Hosea chapter 2, verse 16. And he says, And it shall be in that day, says the Lord, that you will call me my husband and no longer call me my master. होशे दो अध्याय सोलह लिखा है युवा की यह बाणी है कि उस समय तू मुझे कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। एंड इज योर हसबेंड द लॉर्ड ऑफ होस इज हिस्स नेम एंडी होली 54 उसके पांच में लिखा हुआ है क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है

you know, so we see that this is a picture of great intimacy and closeness. Um, so what does the bride do? The bride is lost in love, admiration and commitment to the groom. The bride is the recipient of the groom's unconditional love. The bride is the recipient of the groom's unconditional love.

We see that, that kind of intimacy. I want to please the Lord at all times. The bride has access to the groom's heart. A place of great closeness. And the Lord wants that. और प्रभु ये चाहता है। As the bridegroom God, He wants that for us His people, the bride of Christ. वो उस, उनके दुल्हन होने के नाते प्रभु चाहता है कि हम उस स्थान पे रहे Well, the bride also keeps herself for the groom. जब दुल्हन दुल्हन है वो, वो खुद को रखता है दुल्हा के लिए। So the bride uh, possesses her body, her vessel in purity and honor.

जहाँ परमेश्वर रहा करता है यू नो वी हर्ड इट सो मेनी टाइम्स हम बहुत समय इस बात को सुने हैं एंड मे बी वी प्रीड इट मेनी टाइम्स हमने बहुत बार इस बातों को प्रचार भी किया है दिस अमेजिंग ट्रूथ इज इज दैट ऑफ इंटीमेसी ये एक अद्भुत सत्य है घनिष्ठता का दैट यू एंड आई आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रहने का स्थान है ही इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन सेल्फ टू प्लेस geographical लोकेशन उन्होंने खुद को पृथ्वी के कोई एक स्थान पे नहीं रखा है But he's saying, I'll come and dwell with you. वो कहता मैं आऊंगा तुम्हारे साथ रहूंगा एंड और जहां तुम रहोगे वहां मैं

एक सौ 132 उसका 13 और 14 में ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा ने शियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है ये तो युग युग के लिए मेरा विश्वास विश्राम स्थान है यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है

You don't know what I did. You don't know what I said. But the Lord is saying, I have desired, I have chosen you to be my dwelling place. And of course, He has washed us by His precious blood, justified us and continuing to sanctify us. But the Holy Spirit came to dwell with us forever. और पवित्र रात में हमारे अंदर आए हमेशा हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने वो इसलिए नहीं आए कि वो आएंगे और चले जाएंगे। you know, hotels, you check in, you can't dwell होटल्स में जाते हैं अब हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, अब आते हैं फिर चले जाते हैं प्रभु कहता है ये मेरे रहने का स्थान है आई वॉन्ट abide इन दिस प्लेस मैं इस स्थान में रहूंगा And, uh, and we see that uh, 1 Corinthians 3 and 1 Corinthians 6 talk about you know, Paul saying, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? And of course, he's talking about the, the Corinthian church collectively as a body of believers, and he's saying, Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? अवश्य वो कुरिंथियों के कलिशा के बारे में बात कर रहा था कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो प्रभु तुम में रहता है 1, 6, और वही अध्याय में बॉडी ऑफ द होलीट हुर ओन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो तुम खुद के नहीं हो नो मेनी टाइम्स एज गो थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ कभी-कभी जब हम जीवन के चुनौतियों में से होकर गुजरते हैं जब हम कठिन से जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है वो हमारे अंदर रह रहे हैं एंड इन of दैट इज in इन और हमें खुद को इस तरीके से रखना है जो कि योग्य हो क्योंकि वो हमारे अंदर है so he desires this intimacy with वो us. इस घनिष्ठता को हमारे साथ चाहते हैं कोई आता है आपको कहता है कि मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ हाउ लॉन्ग कितने समय तक

उट एज अ ब्रांच एंड इज विद और छठवे आदमी कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है a difference between living and existing। ये अंतर है कि रहना और बचे रहने में जीवित रहते हैं जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में रहते हैं otherwise we are just existing। और नहीं तो बस हम यूं ही बस जी रहे होते हैं

like we don't, we, we, sometimes we think that it comes maybe third place in priority. the world is, world needs saving. i need to save the lost. i need to build the church. and then, maybe intimacy with god. But with the Lord, the priorities are different. And we see that it is very important in the eyes of God. And that's why He has created us for this kind of an intimate relationship with Him. Um, we're going to look at a couple of scriptures and then close in prayer. And uh, this is Revelation chapter 2. And uh, maybe we can look at verse 4. You know, just to paraphrase what happens in verse 7, uh, the Lord is actually talking to the church in Ephesus uh, or to the messenger of the church in Ephesus and he's giving him a message and he's saying, you know, um, he's appraising, he's saying, uh, he's assessing rather, he's saying, I know your works, your labor, your patience, etc. I've seen that they are good things. परमेश्वर जो है वो के, कलिशा के जो बाहक थे संदेश बाहक थे उनको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे अच्छे भले काम को देखा है तुम्हारी परिश्रम को मैंने देखा है And, uh, you know, 3 says, patience, और तीसरे पद में लिखा है तुमने मेहनत किया है परिश्रम किया है मैंने मेरे लिए सब कुछ किया है और पांचवे आयत में एक एक अचानक ऐसी बात होता है। uh, He says, nevertheless, I have this against you that you have left your first love। वो कहते हैं परंतु तुम्हारे विरुद्ध मेरा एक बात है कि तुमने अपने पहले प्रेम को खो दिया है। Right? So they have laboured, they have persevered, uh, they have done lot of good work। उन्होंने कठिनाई को उठाया है, वो परिश्रम किए, अच्छे-अच्छे काम किए हैं।

I'm walking in a place, I'm, I'm stumbling and I'm falling. The Lord is saying, Remember from where you have fallen because you've left your first love. Hai. And He's saying, Repent and do the first works. Prabhu hai, karo aur apne pehle ko kya karo. And He talks about a consequence if.

ये सारी बातें जो घनिष्ठता और उनके निकटता के बारे में बात करती है इट्स नॉट जस्ट एन ऑप्शन और सजेशन ये एक सिर्फ सजेशन नहीं है या आपके पास एक ऑप्शन है ऐसा नहीं है बट दिस इज लाइफ इट सेल्फ लाइफ इन क्राइस्ट ये जीवन है यीशु मसीह जीवन है Amen. Amen. So the Lord is inviting us to that place of intimacy. And maybe if we are walking in, uh, in a certain level of intimacy, He wants to invite us and say this and, and He says there's more. Have you considered being the bride of Christ?

And we're um, saying, Lord, why didn't you not answer? <laughs> and we're still holding that hurt or grudge with or, God. Or hum us gusse ko apne the Lord is inviting us for a cleansing, for a healing. <laughs> and to restore us to that place from where we had fallen. और उस स्थान पे हमें फिर से वापस ले जाने के लिए जहाँ से हम गिर चुके हैं and and, and else, और सारे काम, प, काम सेवका के सब महत्वपूर्ण हम पहले चीजों को पहले ढूंढते हैं love, हम पहले प्रेम के स्थान पे लौट के आते हैं उसके बाद सारी चीजें उस स्थान से निकल के आती है

निकिल प्रभु हम इस बार में सचेत होकर चलना चाहते हैं की आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है you, प्रभु हम, चाहते हैं, हम जानते हैं की आपके साथ हमें वास्तविक होना है एंड ऑल ऑफ सेल्फियस एंड गॉड प्रभु हमने जो भी नकाव को पहने हैं उन सब को हम खोल देते हैं हम जो हैं हम उस स्थिति से आपके पास आते हैं you know out, क्योंकि आप जानते हैं हमें अंदर से बाहर आप जानते हैं प्रभु योर व्यू ओ गॉड आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है परमेश्वर सो वी डोंट वांट टू पुट ऑन एन एक्ट ओ यू इसलिए हम एक चादर या एक कार्य को पहन के नहीं चलना चाहते हैं प्रभु रियल हम आपके पास आना चाहते हैं हम वास्तविक होना चाहते हैं और सच्चाई में आपके साथ रहना चाहते हैं आपको धन्यवाद करते हैं हमें प्रेम करने के लिए वी थैंक यूटिज एंड डिजाइंडी विद यू आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रचा है सृष्टि किया है घनिष्ठता के लिए कम लॉर्ड है प्रभु आप आए और आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरा करें हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते है